एवरीवन, वेलकम टू द मेडकेम क्लासेस। तो एडमिट कार्ड जो है वो फाइनली रिलीज हो चुका है सीएसआई नेट का। तो जस्ट आपको क्या करना है, गूगल पे सीएसआई नेट डालना है। ओके, तो यहाँ पर एक वेबसाइट आपको दिखाई दे रही है, csinet.nta.nic.in। तो जस्ट इसे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर एक नोटिफिकेशन दिखाई देगा, यू हैव टू जस्ट डाउनलोड द एडमिट कार्ड, ओके, नेट जून 2021। तो जस्ट आपको क्लिक करना है, ओके। तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है कि जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर है, ठीक है, जब आपने फॉर्म फिल किया होगा तब आपको एप्लीकेशन नंबर गिवन था, तो वो एप्लीकेशन नंबर आपको फिल करना है। यहाँ पर सिंपली आपको यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर फिल करना है, देन डेट ऑफ बर्थ डालना है और एंटर द सिक्योरिटी पिन, जो आपको सिक्योरिटी पिन गिवन है वो यहाँ पर फिल करना है, एंड जस्ट टू सबमिट। जैसे ही आप सबमिट करोगे, कुछ डिक्लेरेशन आएगा और वहां पर आपका एडमिट कार्ड क्या हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपको आपका एडमिट कार्ड दिखाई देगा, ओके। देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको आपका एडमिट कार्ड दिखाई देगा। ये एडमिट कार्ड के थ्रू आप अपना रोल नंबर पता कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप रिपोर्टिंग एंड एंट्री टाइम एट द सेंटर, तो आपको एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि बिफोर एग्जाम आपको सेंटर पे रीच करना है, मतलब बिफोर एग्जामिनेशन टाइम, एट अ टाइम नहीं जाना है ताकि कोई भी पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाए। तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे हमारा 16 को एग्जाम है, ओके, जैसे हमारा 16 को एग्जाम है, उसी तरीके से रिपोर्टिंग एंड एंटर टाइम एट द सेंटर 140 किया गया है एंड गेट क्लोजिंग टाइम 230 बोला गया है। एंड टाइम ऑफ द टेस्ट, मतलब जो एग्जाम स्टार्ट होने वाली है, इट इज नियर अबाउट 3 PM, ओके। तो वहां पर हमें बोला गया है कि 140 को आप रिपोर्ट कर देना एंड देन 2:30 को सारी चीजें क्लोज हो जाएंगी और आपको एंट्री दे दी जाएगी। एंड टाइम ऑफ द टेस्ट लिखा गया है यहाँ पर 3 PM to 6 PM, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको क्या टाइमिंग है, वेन्यू क्या है आपका टेस्ट का, एंड मेनली कि कहाँ पर आपका एग्जाम होगा, किस सेंटर आपको मिला गया है, ठीक है। फिर यहाँ पर इस बार उन्होंने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक नई चीज रखी है, दैट इज सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग। तो इस चीज का आपको प्रिंट आउट लेना इंपॉर्टेंट है। ये पर्टिकुलरली जो भी आप प्रिंट आउट लोगे, एक एक्स्ट्रा ही प्रिंट आउट अपने साथ रखिएगा, ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरीके से यहाँ पर आपको देखना है कि एक अगर आप प्रिंट आउट एक्स्ट्रा रखते हैं तो आपको एक मतलब एक बेनिफिट हो जाता है कि अगर वहां पर अगर एक से ज्यादा कोई चीज का डॉक्यूमेंट्स अगर आपको चाहिए होगा तो वो आपके पास अवेलेबल हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेल्फ डिक्लेरेशन में आपको पता करना है या फिर आपको फिल करना है कि आई हैव इन लास्ट 14 डेज लाइक कोई सिम्टम्स तो आपको फ्लू के नहीं है, लाइक फीवर, कफ, ब्रेथलेसनेस, कोर, बॉडी एक और एनीथिंग। तो बस अगर जो कोई अगर सिम्टम्स होंगे तो आप फिल कर सकते हैं, या डायरेक्टली इसे मार्क करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है, कि कोई भी हमें सिम्टम्स नहीं है तो इसे डायरेक्टली मार्क करने की जरूरत नहीं है। देन उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है, हैव बीन क्लोज कॉन्टेक्ट विद द कंफर्म्ड केसेस, कि आप कोई भी पॉजिटिव केसेस के साथ कोई क्लोज कॉन्टेक्ट में इन दिनों में आए हैं क्या, तो डायरेक्टली नो कर देना है इसको। नॉट हैव बीन क्लोज कॉन्टेक्ट एंड ट्रैवल इन द फॉलोइंग सिटीज, मतलब 14 डेज के पहले या फिर ये 15 दिनों में आप कोई दूसरी सिटी में घूमकर आए हो क्या, अगर आप घूमकर आए हो तो किस सिटी में घूमकर आए हो, तो यहाँ पर आपको डिटेलिंग फिल करनी है, ठीक है। और अगर आप सिंपली नहीं घूमकर आए तो डायरेक्टली नो कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे ही आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड करते हो तो नीचे एक सेल्फ डिक्लेरेशन आता है, उस सेल्फ डिक्लेरेशन को फील करने के बाद ही आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड करिएगा, क्योंकि अगर आपने सेल्फ डिक्लेरेशन को बिना टिक मार्क करे या फिर बिना बताए कि हम घूमकर नहीं आए हुए हैं या कोई भी तरीके के सिम्टम्स हमारे बॉडी में नहीं है फ्रॉम 14 डेज, अगर आप वो फिल करके डाउनलोड नहीं करेंगे तो वो मींस एलिजिबल नहीं माना जाएगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के पहले आपको सेल्फ डिक्लेरेशन जो भी एडमिट कार्ड के नीचे दिया हुआ है उसको फिल करिए, उसके बाद डाउनलोड कीजिए, ओके। फिर यहाँ पर आपको एक और चीज का ध्यान रखना है कि कैंडिडेट्स अपनी फोटो यहाँ पर लगा दें और वो फोटो आपकी सेम होनी चाहिए जो एप्लीकेशन फॉर्म में आपने फिल किया है, या फिर आपका लेफ्ट हैंड इम्प्रेशन यहाँ पर आपको लगाना है, इट इज बिफोर रीचिंग द सेंटर, मतलब सेंटर से पहले ही ये लगाकर जाओ और यहाँ पर कैंडिडेट सिग्नेचर करेगा एट द टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन। तो ये सारी चीज आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। एंड कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर दिया हुआ है कि एज द प्रिकॉशन ऑफ कोविड-19 द कैंडिडेट मस्ट रीच द सेंटर एट द टाइम,
नो कैंडिडेट शॉल बी परमिटेड टू एंटर द गेट क्लोजिंग टाइम. तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन है, आप अच्छे से आराम से बैठकर पढ़ लीजिए. मेनली यहाँ पर आपको A4 साइज पेपर में सारी चीज डाउनलोड करना है, ठीक है. यहाँ पर लिखा हुआ है एडमिट कार्ड A4 साइज पेपर में डाउनलोड होना चाहिए. उसके अलावा आपका ओरिजिनल ID प्रूफ, मतलब जो भी आप ID प्रूफ अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं, वेदर इट इज आधार और लाइसेंस एनीथिंग, आपका ओरिजिनल वैलिड ID प्रूफ लगेगा. एंड सारी चीज आपको ध्यान रखना है, ये सारे इंस्ट्रक्शन आप 1 by 1 अच्छे से पढ़ सकते हैं. सो विश यू वेरी गुड लक. एंड अगर आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं तो आप सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरने के बाद ही एडमिट कार्ड को डाउनलोड कीजिए. थैंक यू सो मच.